हेलो गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टाइम। जो भी स्टूडेंट पाइथन सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से, उनके लिए ये प्लेलिस्ट या उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पाइथन को स्टार्ट किया है, वो भी इन हिंदी में। चलिए देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन कब डेवलप हुई, किसने डेवलप क्यों करी, क्यों डेवलप करी, ये सब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पाइथन इज़ ए सिंपल जनरल पर्पस हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। जनरल पर्पज़ मतलब जिसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हो, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जो ऊप्स के कॉन्सेप्टों को फॉलो करता है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सेकेंड पॉइंट, पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन चेकिंग। पाइथन जो है वो कंपाइलर बेस्ड नहीं है, पाइथन हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि आपकी पाइथन में जो भी चेकिंग होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। अगर एक लाइन में भी आपकी एरर है तो वो प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देगा। जो पाइथन के जो फादर हैं वो है ग्यूडो वैन रोसुम। ग्यूडो वैन रोसुम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन 1991। यानी कि ग्यूडो वैन रोसुम ने पाइथन को 1991 को डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन हमारी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स अगर आपके अपर केस या लोअर केस लेटर होते हैं तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आपका एक्स हुआ या कैपिटल एक्स हुआ, बोथ आर डिफरेंट। सो अब हम बात करेंगे कि पाइथन आपकी इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर लैंग्वेज है। आप आजकल देख रहे हैं कि पाइथन हर जगह यूज हो रही है, क्योंकि पाइथन के कुछ फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन के वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है इजी टू लर्न एंड यूज। गाइज, पाइथन आपकी बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग ए फ्यू लाइन ऑफ कोड। अगर आप जावा की बात करें तो जावा में अगर आपको अपना नेम भी प्रिंट कराना है तो आपको बहुत बड़ी कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पाइथन के अंदर आप एक सिंगल लाइन में आप अपना नेम प्रिंट करा सकते हो। थर्ड, जैसा कि मैंने पहला बताया कि पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट ए टाइम इट मेक डिबगिंग इजी। डिबगिंग मीन्स एरर। अगर आपकी एरर जो है वो इजीली फाइंड आउट्स हो जाती हैं डिबगिंग प्रोसेस के थ्रू, तो एक लाइन में एरर है तो वो इजीली मिल जाएगी, तो इसलिए हमारी पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज, यानी कि पाइथन आपकी विंडोज़ पे, लाइनेक्स पे, यूनिक्स पे और आपका जो विंडोज़ पे, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपकी पाइथन चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एंड ओपन सोर्स। आप इसको फ्री में कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो और ओपन सोर्स इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मैंने बताया है कि पाइथन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो सब आपके ऊप्स के कॉन्सेप्टों को फॉलो करती हैं। लार्ज स्टैंडर्ड, सेवेंथ पॉइंट है हमारा, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी कि पाइथन के अंदर आपकी बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मीन जब भी हमें मान के चलो कोई नंपाई यूज़ करना है, पांडा यूज़ करना है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। जो मैंने नंपाई बोले वो सब आपके मॉड्यूल्स होते हैं। एट्थ पॉइंट, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट इज यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यानी कि पाइथन आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आपकी डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बनाने के काम भी करती है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे पाइथन के वर्जन्स की।
यानी कि आपको अपने सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है और कौन कौन से उसके वर्जन हैं। बेसिकली इसके बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लेटेस्ट वर्जन की। तो सबसे ओल्डेस्ट जो वर्जन है पाइथन का, वो पाइथन 1.0 है, जो कि आपकी जनवरी 1994 को आया था। और जो लेटेस्ट वर्जन है आज की डेट में, वो है पाइथन 3.10.1, जो कि 6 दिसंबर 2021 को आया हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है 10 दिन बाद और कोई नया वर्जन आ जाए, तो अभी आज की डेट के अकॉर्डिंग ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। सो बेसिकली जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, उससे क्या क्या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या यूज है हमारे पाइथन का। सो गाइज, पाइथन से हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई ऑडियो और वीडियो बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो की मिक्सिंग हो सकती है, ऑडियो और वीडियो को मतलब हम कट कर सकते हैं, ये सब आप इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आप जावा से और भी सारी लैंग्वेज से बना सकते थे, वो भी सब हम पाइथन लैंग्वेज से डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखा कि हम पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। सो गाइज, अगर आपको विंडो पर पाइथन इंस्टॉल करनी है, तो आपके सामने एक वेबसाइट है www.python.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। आप इस पर जाएंगे तो आपके पास डाउनलोड एक मेन्यू आएगा, उसमें से आप पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन या जो भी वर्जन जो आपके सिस्टम में ईजिली चल जाए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो। ये पाइथन का पहला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि पाइथन कब आई, किसने डेवलप करी, और पाइथन के क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन सा उसका लेटेस्ट वर्जन है, और क्या क्या उसमें हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाइथन के टोकन्स की।